सपना सा लगे, सपना सा लगे हाँ, ना जाने चला है क्या पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बिना आलू के ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी के बारे में बताएंगे। इसको बनाने के लिए हमने 5 ब्रेड लिया हुआ है। 2 ब्रेड को हमने 3 कोण में काटा है और 3 ब्रेड को हमने 4 कोण में काट लिया है। इसे बनाने के लिए हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया बताते हैं। इसको बनाने के लिए हमने थोड़ा सा बेसन लिया हुआ है, हींग लिया हुआ है, कटा हुआ हरा मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से मसाले। अब इसका पेस्ट बनाते हैं। इसमें हम कटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, खड़ा जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मसाले। स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून हींग जो काफ़ी हेल्दी होता है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि इसमें गांठ ना पड़े। एक साथ पानी नहीं ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बैटर बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स, इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, उसमें हम अब ब्रेड को ऐड करेंगे। इसे हम ऐड करेंगे इसमें। हमारे पकौड़े बहुत ही फूले फूले और अच्छे बनेंगे। ऐसे स्पून से डालने से टूटने का डर कम रहता है। ऐसे हम सारे ब्रेड को ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे से पक रहे हैं, एकदम फूले फूले, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये फूल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हम बाकी सारे पकौड़े बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 3 कोन और 4 कोन वाले पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये कितने टेस्टी और लजीज बने हैं। इसे हम लाल चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। ये बहुत ही कुरकुरे और सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी ये पकौड़ा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।